गुड आफ्टरनून मिस करिश्मा, कैसी हैं आप? आप यहाँ अकेले? ओ, आप अपना हाथ देख रही थी। अच्छा है, इफ यू डोंट माइंड मे आई सी योर हैंड? व्हाई नॉट, ब्यूटिफुल। आपकी फेट लाइन बहुत स्ट्रांग है, कामयाबी एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। अरे मैं तो कहता हूं कि ये कॉन्टेस्ट भी आप ही जीतेंगी। रवि आप ही? ओ नो 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 नो, मिस करिश्मा डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। और अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती हैं तो मैं आपको एक बहुत ही पहुंचे हुए महाराज से मिलवा सकता हूं। हाँ हाँ, why not? तो ठीक है, आज रात को ही चलते हैं, ड्यूटी के बाद। रात को? डोंट वरी। ओके फाइन, बाय बाय। ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। महाराज आओ, करिश्मा आओ। महाराज आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? यहां किसी करिश्मा को यह नहीं बताना पड़ता कि वो करिश्मा है। और फिर तुम्हारे माथे पर तो राजयोग है। आशीर्वाद दीजिए महाराज। किंतु अभी तक तो तुम्हारी परीक्षा हुई भी नहीं। जी ये लो, इसे पास ही के त्रिकेतु मंदिर पर जाकर रखाओ। इस कार्य को पूरा करने के पश्चात तुम्हें एक वरदान मिलेगा जिससे तुम्हारी सभी इच्छा पूरी हो सकती है। जाओ। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, इसे देखने की गलती कभी नहीं करना। जाओ। ऐसा नहीं हो सकता। इतने साल रुका रहा मैं इस मुक्ति के इंतजार में, कोई मेरी तपस्या को यूं भंग नहीं कर सकता है। अब कोई फायदा नहीं है करिश्मा, तुम हिंदा का काम किए बिना यहां से नहीं जा सकते। Yeah, yeah.
बराबरी की रात ना। मैंने कहा था ना, जादूगर कुछ भी कर सकता है। अंजलि मैम, अंजलि मैम, कोई है? अदिति। किसे बुला रही हो? तुम्हारी सहेलियां तो मेरे साथ हैं। जादू कर दिया है। मैंने कहा था ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं। अदिति, ऐश्वर्या, मार दो उसे, मार दो उसे, मार दो उसे। करिश्मा, क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो तुम? मैम, ऐश्वर्या मेरा खून करना चाहती है। मुझे लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। चलो ऐसा करते हैं, बाहर थोड़ी देर खुली हवा में खड़े होते हैं, ठीक है? कम कम ना कम। नहीं मैम, वो रिहर्सल चल रही थी और ऐश्वर्या, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, बेड पे खून, वो रिजॉर्ट का असिस्टेंट मैनेजर रविकांत। मिस करिश्मा, आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं। टेक इट इजी करिश्मा, तुम आज का दिन पूरा रेस्ट करो, रिहर्सल से भी ऑफ ले लो, हुँ? पर रोज ऐसा नहीं चलेगा, रिलैक्स। हिंदा, समय घड़ी दर घड़ी बीता जा रहा है, ये तू क्या कर रहा है? मैं सुप्त अवस्था में जाने के लिए बेचैन हूं। कल दुर्गा उपासना का दिन है, अगर कल तक तूने मुझे किसी लड़की की आत्मा लाकर नहीं दी तो। ए कल्पेश, मुझे थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने जो उपाय नहीं किए, अब मैं वो करूंगा, बस मुझे थोड़ा समय और दे दीजिए। जय कल्पेश। गुड गॉड करिश्मा, तुम अब तक यहां बैठी हो, तैयार नहीं हुई? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू यार, फर्स्ट राउंड में ही ड्रॉप होना है क्या? कम ऑन, गेट इनटू योर ब्राइडल कॉस्ट्यूम एंड गेट रेडी सून। चलो अदिति, कम से कम हम लोग तो अपना मेकअप पूरा कर ले। We'll do that. चल, हरी आप करिश्मा, डोंट वेस्ट टाइम।
करिश्मा, तू मेरा काम नहीं करेगी। मैं तुम्हारा ये गंदा काम नहीं करूंगी। मूर्ख लड़की, जिस काम के लिए मैं इतने सालों से रुका रहा, तू उस काम के लिए कहती है कि नहीं करेगी? मैं तुझसे करवा कर रहूंगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं। तू मेरा काम करेगी या नहीं? नहीं। काम करेगी या नहीं? नहीं 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 करूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। लेकिन हां, मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को मार सकता हूं, वैसे ही जैसे मैंने मेनका को मार डाला। तुमने मेनका को मार डाला? वो घर नहीं, सीधे ऊपर चली गई। विश्वास नहीं हो रहा है ना? देखो, हिंदा अब कुछ भी कर सकता है। अब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम्हारे सामने मार डालूंगा। किससे शुरू करूं? ऐश्वर्या से? तुम उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। जो करना है मेरे साथ करो। और फिर क्या हुआ? करिश्मा, वो उसे उठाकर ले गया। ऐश्वर्या, करिश्मा को क्या हुआ? वो उसे उठाकर ले गया और उसने मेनका को भी मार डाला। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? जादूगर हिंदा। ऐसे कैसे हो सकता है? That means वो मंदिर के पंडित जी वाली बात सच निकली। कौन सी बात? उस दिन तुम नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जब जादूगर जिंदा होगा तभी वो एक कुंवारी कन्या को ले जाएगा। और करिश्मा? उसकी तो आत्मा ही चली जाएगी। अदिति, वो कह रहा था कि अगर करिश्मा ने उसका काम नहीं किया तो हम सबको मार देगा। अदिति, हमें उसे बचाना होगा। और इसका उपाय सिर्फ पंडित जी दे सकते हैं। ओम सिद्धहस्ते कल्पे नमः। 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 ओम स
कल्पेनामा। ये तो अनर्थ हो गया। तुम्हारी सहेली को जल्दी बचाना होगा, वो तो मौत के मुंह में जा रही है। इसका तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो सिर्फ तुम लोग हो। और हाँ, आज दुर्गा की उपासना का दिन है और नारी शक्ति दुर्गा का रूप है। अगर तुम लोग एक हो जाओ, मेरा मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़कर माँ चंडी के मंत्र का जप करो, एक घेरा बनाकर अपनी सहेली के हाथों उस कलश को तोड़ना होगा। जल्दी करो, समय बहुत कम है। और याद रहे, उस जंगल के उत्तर दिशा में त्रिकेतु का मंदिर है। जाओ, जल्दी जाओ। तुम सिर्फ अपनी ही नहीं, अपनी सारी सहेलियों की जान खतरे में डाल दोगी। तुम हमारी फिक्र मत करो करिश्मा, तुम कलश को तोड़ो। सब बेमौत मारे जाएंगे करिश्मा, बेमौत मारे जाएंगे। मैं एक एक को जान से मार दूंगा। उसके लिए तुम जिंदा ही नहीं बचोगे हिंदा। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमारे साथ है, समझे? अजीब पेड़ है,
कितना अलग और खूबसूरत लग रहा है। मैंने मना किया ना, इधर उधर मत जाओ। माँ, पेड़ पे एक पुरानी माला भी है। हाउ लवली। बेटा किरण सुनो, बेटा किरण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।